कोर्ट परिसर के पास नगर परिषद द्वारा बनाए गए आश्रय गृह से आज फ्रीडम फाइटर माखनलाल दत्ता की बेटी बिजोली सरकार को स्थानीय प्रशासन ने देवघर जिला के चांदडे स्थित वृद्धा आश्रम ले गई। मधुपुर सीओ परमेश्वर कुशवाहा, महिला थाना की कांस्टेबल और नगर परिषद के कर्मियों के सहयोग से बिजोली सरकार को चांदडीह स्थित वृद्धा आश्रम में शिफ्ट किया गया है। आप खुश हैं ना, आपको प्रशासन यहाँ से ले जा रही है? अच्छा, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है, परेशान दूर हो गया। सीओ परमेश्वर कुशवाहा अपने सरकारी वाहन से बिजोली सरकार को चांदडीह ले गए, साथ में मधुपुर कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद जिशान अंसारी भी मौजूद थे। घर का ही ससुराल का टाइटल भूल गए थे। अरे ठीक है, कहीं जाइए खाना अकेले? ना ना, अंदर चाहिए। हाँ हाँ, अच्छा जगह पर पहुँच जाएगा। ठीक है। आपको बता दें कि अधिवक्ता जिशान अंसारी ने ही बिजोली सरकार के भटकने की सूचना लोगों और मीडिया तक पहुंचाई थी। इधर बिजोली सरकार काफ़ी खुश दिख रही थी। बिजोली सरकार ने बताया कि अब उनकी परेशानी दूर हो गई है। आपको यह भी बता दें कि बिजोली सरकार का एक पुत्र है जिसका नाम नितेंदु सरकार है, जो बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत लालबाग के सैफुल्लागंज में अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता है। इनसे संपर्क किए जाने के बाद उन्होंने अपने मां को रखने से इनकार कर दिया और वृद्धाश्रम पहुंचाने की सलाह दे डाली। फिलहाल इसकी मां अपने पुत्र नितेंदु को लेकर चिंता जताते हुए वृद्धाश्रम में रहने को तैयार हो गई है, पर सवाल यह उठता है कि बिजोली सरकार का इकलौता पुत्र नितेंदु सरकार क्या कभी सतयुग के श्रवण कुमार बन पाएंगे? जी हां, वही श्रवण कुमार जिन्होंने अपने वृद्ध और अंधे मां बाप को तीर्थ कराने के लिए कांवर में बिठाकर ले गया था। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और विवाहित था।